हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष चिकना पर। तो आज के इस वीडियो के अपडेट में आपके समक्ष बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं। रेलवे की रिक्रूटमेंट आ चुकी है ग्रुप डी के तहत, जो आज फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी पूरे एक महीने भरे जाएंगे फॉर्म 15/1/2023 जनवरी के पहले महीने तक इसको फॉर्म भरे जाएंगे आपके। इसके लिए क्या क्या योग्यता मांग रखी है, क्या उम्र है, सारी अपडेट जानकारी आपके समक्ष हम लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। इसके लिए आवेदन करने की उम्र 15 साल से लेके 24 साल तक रखी गई है। केवल 10वीं पास इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन मेन मुख्य डेट की तरफ, फिर हमें आपके सामने नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या दिया हुआ है रेलवे की तरफ से। तो जो साथी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में सरकारी जॉब संबंधित हर अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुँच सके, मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो मेन मेन डेट आपको बता देता हूँ, फिर मैं नोटिस की तरफ चलूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से, सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2023 में एज लिमिट आपके पास यहाँ पे 15/12/2022 लिख रखी है, और ये आज के डेट से प्रारंभ हो चुके हैं फार्म, और ये चलेंगे 15/1/2023 तक। और इसके फॉर्म के जो पे लास्ट डेट रहेगी ये भी 15/1/2023 रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने कितने रुपए फीस लगेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरल, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस का चार्ज है। एससी, एसटी और पीएच के लिए आपके पास कोई चार्ज नहीं है, फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। और पेमेंट करने का तरीका इसमें बताया गया, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मिनिमम एज की तरह। तो मिनिमम एज रहेगी इसकी 15 साल मिनिमम एज रहेगी, और मैक्सिमम एज रहेगी 24 ईयर मैक्सिमम एज रहेगी। और रिलैक्सेशन जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट जो 2023 और 24 के रूल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा उनको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी कितनी कितनी पोस्टें वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी हैं 2422 टोटल वैकेंसी है, जो बड़ी रिक्रूटमेंट आपके समक्ष हम लेके आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस में कितनी पोस्टें रहेंगी। तो यहाँ पे बात दे रखी है कि आपकी पर्टिकुलर सभी दे रखी है कि किस में कितनी पोस्ट रहेंगी। आप टोटल देख लो यहाँ पे 2422। अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि दसवीं के साथ साथ क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। तो टेंथ आपकी होनी चाहिए कंपलसरी इसमें, वो भी 50% अंक के साथ। और यहाँ पे आपको उसके साथ साथ आईटीआई की डिग्री की सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए किसी भी ट्रेड की, और इसके लिए आप एलिजिबल हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन क्या आया है, हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, अब आपके समक्ष नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं, देख ले आप यहाँ पे। ओपनिंग डेट ऑनलाइन की 15/12/2022 से लेके और लास्ट रहेगी 15/1/2023 तक। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है, और वही आपके समक्ष हम पूरी अपडेट लेके आए हैं। यहाँ पे आपके समक्ष पहला पॉइंट आप देख लें, मैं मेन पॉइंटों की तरफ चलता हूँ। देखो यहाँ पे आपका दिखा रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें खुशखबरी की बात है, आपका कोई भी पेपर नहीं होगा, आपका मेरिट बेस के आधार पर आपके पास होगा, आईटीआई की डिग्री आपके पास रहेगी फॉर्म के तहत। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं कि कौन कौन से यूनिट में आपके पास हैं, क्या क्या यूनिट इसमें पोस्ट निकली हुई हैं। तो टोटल यहाँ पे यूनिट दिखा रखी हैं, फिर हम नीचे लेके आते हैं इसमें टोटल पेज 27 पेज है, किस किस की कितने पोस्टें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे।
फिटर की कितनी, वेल्डर की कितनी, पेंटर की कितनी, सारी अपडेट आपके पास हर कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखा रखी है कि किस में कितना डिप्लोमा चाहिए आपको, तो सारी अपडेट आपके समक्ष लेके आए हैं। टोटल पोस्ट आपको बताइए, 2422 पोस्ट हैं, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जो जो इसके इच्छुक हैं, जिनकी उम्र 15 साल से लेके 24 साल तक है और वह फार्म भरने के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी लगने के इच्छुक हैं, तो वह ये फार्म भर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट शुड बी हैव कम्प्लीटली 15 ईयर ऑफ एज, शुड बी 24 ईयर, मतलब आपकी जो उम्र है वो 15-12, मतलब आज की डेट से ली जाएगी उम्र, कि 15 साल से लेके 24 साल तक के आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कि अपर एज ऑफ लिमिट ऑफ 5 ईयर इन केस ऑफ द एसटी और एससी, एसटी और एससी कैंडिडेट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी कास्ट के लिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख लें, आपकी जो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस किस के बीच में है, आप ये फॉर्म भरने के अप्लीकेबल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो एज ऊपर वाले, जैसे डिसेबिलिटी है, जिस पर्सन को दिखाई नहीं देता, उसके लिए एज लिमिट इसमें रखी गई है, 10 साल आपके पास एज लिमिट उसकी रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे, एक्स सर्विस मैन के लिए स्पेशल कोटा यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे आप पूरी अपडेट एक्स सर्विस मैन की देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे अपडेट लेके आते हैं, यहाँ पे लोकोमोटर के तहत ट्रेड, अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। टोटल आपको बताई थी, हाउ कैन वी अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की डेट से ही अप्लाई होने फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। अब है डॉक्यूमेंट कौन कौन सी अपलोड होगी वो आप एक बार देख लें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके पास 10th की डॉक्यूमेंट अपलोड होगी, डेट ऑफ बर्थ आपके पास यहाँ पे चाहिएगा, आपको मार्कशीट आपके पास चाहिएगी, आपके पास यहाँ पे उसके बाद दे रखी है कि एससी ओबीसी, इसके तहत आपके पास 8.5 जो आपके पास फॉर्म भरोगे उसमें आपको चाहिएगी। फिर आपके पास यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपकी एनसीवीटी की सर्टिफिकेट आपको चाहिएगी, फिर उसके बाद जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो एक्स सर्विस मैन की कोटा है उनको स्पेशल आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रखी है। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट, लास्ट डेट कब रहेगी फॉर्म भरने की, 15/1/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी, शाम 5 बजे तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी सैलरी पर मंथ यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं कि टेक्निकल में 7,000 पर मंथ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे मेडिकल का फिटनेस के लिए पूरी अपडेट, यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पे मेल आईडी भी दे रखी है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आपके समक्ष हैं। तो पूरी जानकारी हम पूरा नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, पूरा नोटिफिकेशन लास्ट में दिखा देते हैं कि 15 जो पेजेस का है पूरा नोटिफिकेशन, 27 पेजेज का सॉरी, तो पूरा नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं। जो जो ये फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो ये फॉर्म भर सकता है, यहाँ पे देखो पूरी अपडेट बताई गई है कैसे कैसे आपने फॉर्म भरना है, प्रत्येक पेज की जानकारी यहाँ पे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और नई नई जो भर्ती की जानकारी लेने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में हर प्रकार के वीडियो संबंधित जानकारी आप तक, सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुँच सके, मिल सके। आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट की जानकारी के साथ, नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।